ओके थैंक यू। ये ग्वालियर से झांसी होते हुए। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अंदर ब्लॉग। तो पिछले ब्लॉग में जैसे हमने बताया था ना भाई कि हम लोग अब करने वाले हैं बस जर्नी यहाँ से, तो अभी हम हैं फिलहाल ग्वालियर में कंपू पे। अभी फिलहाल हमें कंपू वाले एरिए में जो ग्वालियर में है यहाँ से बस जाती है ये शताब्दी ट्रेवल्स वालों की। तो बुकिंग है अपनी, ठीक है, फुल एसी बस है। अब बस कौन सी होने वाली है ये अभी पता नहीं, अभी आई भी नहीं। हम यहाँ पर पॉइंट पे आ गए हैं जो बोर्डिंग पॉइंट है वहाँ पर। अब देखते हैं भाई कितने बजे तक आती है बस। वैसे बोल रहे हैं 9:05 हो रहा है, 9:15 तक आ जाएगी बस। देखते हैं भाई कितनी देर में आती है, कौन सी बस होने वाली है, हमें तो ये भी नहीं पता। बुकिंग मार दी थी क्योंकि अब यहाँ से ग्वालियर से जो अपना काम था वो हो गया था, अब हमें आना है कानपुर। तो ग्वालियर से कानपुर की ये बस जर्नी होने वाली है और सर्दियों की बस जर्नी होने वाली है। सो फाइनली अपनी बस आ गई है, उम्मीद तो यही है भाई यही वाली होगी, बाकी देखते हैं। सही लग रही है, अभी इससे पहले एक खड़ी थी वो थी नॉन एसी, लेकिन ये वाली तो एसी बस ही है शताब्दी ट्रैवल्स की। तो भाई बस अपनी आ गई है शताब्दी ट्रैवल। अब यहाँ लगेज रखवाना होगा भैया, ये बैग है। हाँ नहीं नहीं कानपुर 20 रुपये दे दो। अच्छा 20 रुपये चार्ज अपना। सीट है क्यू, क्यू सीट है। ये सिस्टम है इस बस में जो बैग वगैरह यहाँ रखना, और पर बैग 20 रुपये चार्ज रहता है। ये रख गया अपना बैग, 20 रुपये हम देंगे। इसमें लिखोगे ना नंबर? ठीक। तो अभी आ गए हैं बस के अंदर, और आज अपनी जो सीट है ना ये है क्यू, मतलब एक तरफ से साइड अपर सीट है, और इसमें ये सीन है, ये अपनी सीट है ऊपर वाली, वैसे नीचे लोअर सीट है और ये ऊपर वाली सीट। और इसमें जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो यही है कि अपन को यहाँ पर एक ब्लैंकेट दिया है, यहाँ चार्जिंग सॉकेट या मोबाइल रख लो, ये यहाँ पर कुछ लाइट्स, रीडिंग लाइट पता नहीं चल क्यों नहीं रही अभी ये, और बाकी ये एसी वेंट्स एक यहाँ पे एक वहाँ पे, और यहाँ पर शूज़ वगैरह रख सकते हैं, ये सीन है। और ये कुशनिंग है, और यहाँ पर पिलो समझ लो जो सीट में ही है। बाकी इस बस में क्या है कि हमारी ये जो सीट है ना ये एकदम आखिरी वाली है, एकदम लास्ट मोमेंट पे हमने बुकिंग करी तो नहीं मिल पाई हमको अच्छी वाली सीट। वैसे लोअर वाली ज़्यादा बेटर रहती है, ये थोड़ी सी इसकी चौड़ाई भी कम रहती है, लेकिन एक हमको यहाँ पर फैसिलिटी मिली है जो अपन को विस्टाडोम कोचेस में मिलती है ट्रेन में। अपनी सीट है, यहाँ लगे हैं कर्टेंस, और ये देखो पीछे का व्यू हम लोग ले सकते हैं। ये वैसे रात में तो क्या ही व्यू लेंगे, लेकिन यहाँ पर शूज़ वगैरह और रख सकते हैं, और ये पीछे का व्यू यहाँ से ले सकते हैं। अरे इस समय से करीब 20 मिनट की देरी से अपन लोग निकल चुके हैं, मतलब डिपार्चर हो गया है अपना ग्वालियर से। ये जो एरिया है ना पूरा, ये है कंपू का एरिया, जो अपने ग्वालियर में कंपू है ना, यहाँ पर नॉनवेज वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है। जो लोग यहाँ के लोकल होंगे वो जानते हैं यहाँ पर नॉनवेज दबा के। यहीं बैठ गए साइड अपनी सीट को अंदर, लेकिन बैठे हैं यहीं, थोड़ा सा निकल जाए उसके बाद जब नींद आएगी तब अंदर चलेंगे। इस बस में जो हम लोगों ने टिकट किया है उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बोतल भी रहती है। तो अभी हम लोग भैया हमको बोतल, हाँ एक, तो एक पानी की बोतल रहती है, तो अभी हम लोगों को वही लेने वाले हैं हम लोग अपनी बोतल। ओके थैंक यू। तो ये है आधे लीटर की पानी की बोतल जो हम लोगों को इस ट्रेन में कॉम्प्लीमेंट्री दी है। इस बस जर्नी का जो रूट है ना वो देखो, ये ग्वालियर से झांसी होते हुए उरई होते हुए हम लोग पहुंचेंगे कानपुर। तो करीब 5.5 घंटा इसमें दिखा रहा है, देखो बस कितना टाइम लेती है, और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है, क्योंकि थोड़ा लेट हमने देखा है तो ये 293 दिखा रहा है, बाकी 300 ही किलोमीटर की जर्नी है अपनी। बस हिल बहुत रही है लास्ट वाली सीट पर। बज रहा है 1:30, और अपन लोग यहाँ पर ये मोट पड़ता है ना झांसी के बाद, झांसी पार कर चुके हैं तो यहाँ पर मोट के पास हम लोग आए हैं। बस रुकी हुई है अभी रात में, तो इस बस से अब ट्रेन निकल रहा है यार। अभी थोड़ी देर पहले ना जब पानी आया था तब भी हमने ट्रेन बोल दिया था गलती से, ट्रेन में इतना ट्रैवल किया हुआ है कि ट्रेन ही ट्रेन निकल जाता है। तो अभी बस अपनी बस यहाँ पर रुकी हुई है, तो यहाँ पर वही है ड्राइवर वगैरह सब जो लोग हैं खाना वाना खाने के लिए आए हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर कुछ है ढंग का खाने वाने को, तो लेते हैं कुछ ट्राई करते हैं, या फिर चाय वाय देख लेंगे कुछ सही लगा तो, नहीं तो फिर सो जाएंगे। अभी क्या हुआ हम काफ़ी देर सो भी लिए, सो लिए बढ़िया 1-1.5 घंटे सोए। उसके बाद हमने ड्राइवर मतलब जो एक भैया थे उनको बोला था नहीं उठा देना अगर रोकोगे जहाँ भी बस, तो वो आ रहे थे उतने में, लेकिन भाई नींद खुल गई। चलो भाई सही है, टाइमिंग एकदम परफेक्ट। तो ये खड़ी है अपनी बस, और भी बसें खड़ी हैं यहाँ पर,
और ये है रेस्टोरेंट। चलो देखते हैं भाई, कुछ मिले ना मिले चाय तो मिल ही जाती है। चलो यहाँ अब लेते हैं एक चाय, यहाँ की चाय ट्राई करते हैं। सही है, ठीक है, चाय का टेस्ट सही है। वैसे सर्दियों का मतलब रात हो, आधी रात, सर्दियों की आधी रात और गर्मा गर्म चाय, बढ़िया। और वैसे हमें भाई चीखें आ रही थी लेटे लेटे, अभी काफ़ी चीखें आ गई यार। अभी मतलब यहाँ टॉयलेट भी गए, यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी बनाया, लेकिन आप भाई ज़्यादा वहाँ 2 मिनट से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा सीन है। लेकिन टॉयलेट वगैरह जा सकते हो, ठीक है। चाय चाय पीने के बाद थोड़ा सा हम इधर को आ गए हाईवे की साइड को, और यहाँ पर एकदम सन्नाटा पड़ा है हाईवे पे भी रात के टाइम, और भाई सीन सही लगता है सही में। हाँ, ये जो भाप निकलती है इसका ही मज़ा अलग ही होता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी मतलब ये शॉप है, यहाँ पर चिप्स तो नहीं लेकिन वही है नमकीन नमकीन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स ईयरफोन वगैरह, ये सब चार्जर केबल वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो भाई अब टाइम है इस रेस्टोरेंट से निकलने का, चलो चल रही है बस अपनी, सोते हैं। चलो भाई पहुंच गए हैं, अब निकलवा रहे हैं अपना लगेज, अपना बैग आ गया, बैग अपना बाहर। चलो लगे हाथ, हाल के हाल ऑटो भी हो गया, और फॉग देख रहे हो भाई, सर्दी लग रही है सुबह सुबह यार, तगड़ी गाली। हो गया ऑटो, वापिस आ चुके हैं हम कानपुर में अपने फ्लैट पे HY जोन में। भाई करीब पता नहीं कितने दिन बाद, दिन भी याद नहीं है हमको कितने दिन बाद आए हैं, लेकिन अब बस भाई अब चलेगा थोड़ा रेस्ट आराम, और बस यही चलेगा अभी फिलहाल। नहीं ऐसी बात नहीं यार, अभी एडिटिंग वगैरह भी करनी है, कुछ वीडियोस पेंडिंग है जो एडिट करनी है, वो सब काम चलेगा, और उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम चलता ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है, है ना। चलो देखो टाइम, देखो कितना बज रहा है भाई, 6:15 हो गया। पूरी रात में हम 2-3 बार उठ चुके हैं समझ लो, और सोए कितने बजे थे, तो आज रात तो पूरी काली रात निकली है हमारी। चलो अभी फिलहाल यार अब हम सोएंगे ही सिर्फ। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी कर ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।